उसके तो ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है तो जो हमारा पहला वर्ड है मे हम उसको समझेंगे कैसे तो मे का मतलब क्या होता है मे का मतलब होता है कि ऐसा हो सकता है ठीक है हो सकता है कोई भी संभावना तो मे एक अंग्रेजी शब्द है जिसका विभिन्न प्रयोग होता है यह अनुमति का सूचक हो सकता है जैसे तुम जा सकते हो ठीक है जाओ तुम जा सकते हो तो मैं मैंने परमिशन दे दी तुम जा सकते हो यह संभावना को भी दिखा सकता है जैसे बाद में बारिश हो सकती है कोई संभावना है, कुछ गेस्ट कर रहे हैं हम इसके अलावा यह शुभकामनाएं या आशाएं व्यक्त करने के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है जैसे तुम्हें सफलता मिले इसका अर्थ संदर्भद होता है और इसका प्रयोग शिष्टाचरण पूर्ण अनुरोध या अनिष्टता की अवस्था में भी हो सकता है अब हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मे मे को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं सबसे पहले हम मे को यूज कर सकते हैं हैव के साथ कैसे देखते हैं पहले तो मे हैव का मतलब क्या होता है मे हैव का मतलब होता है हो सकता है या हो सकता था आई मे हैव ईटन इट बाय मिस्टेक आई मे हैव स्किप्ड योर कॉल हो सकता है कि ऐसा हुआ हो ठीक है तो मे हेफ को हिंदी में हो सकता है या हो सकता था के रूप में अनुवाद किया जा सकता है यह किसी घटना के होने की संभावना या उसके बारे में अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स कि हम मे हेफ को यूज कैसे कर सकते हैं रिया मे हैव ऑलरेडी लेफ्ट बाय नो रिया शायद शायद अब तक तक चली गई हो। उसने अभी परियोजना पूरी कर ली हो दे मे शायद हमारे बिना चले गए हो चिल्ड्रन मे हैव गॉन टू बच्चे शायद पार्क गए हों द अलार्म मे हैव गॉन ऑफ अलार्म शायद बज गया हो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है वो है मे के साथ हैव टू अब हम मे के साथ हैव हाँ टू को कैसे यूज कर सकते हैं सबसे पहले हम इसका मतलब देखेंगे इसका मतलब है करना हो सकता है आई मे हैव टू गो टू यू मे हैव टू डू दिस अगेन यू मे हैव टू बी प्रेजेंट टू यू मे हैव टू होस्ट अ मीटिंग टू तो ऐसी चीजें जो करनी हो सकती है या करनी पड़ सकती है या कुछ करना पड़ सकता है या कुछ करना हो सकता है, है ऐसी चीज जब हम बोलते हैं तो हम यूज करते हैं अपने मोडाल हैव टू का मतलब क्या हुआ करना हो सकता है करनी हो सकती है करना पड़ सकता है या फिर करनी पढ़ सकती है तो मे हैव टू का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसे करना हो सकता है या करना पड़ सकता है के रूप में व्याख्या किया जा सकता है यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें किसी कार्यवाही या कर्तव्य की संभावना है लेकिन यह पुष्टि या, या निर्धारित नहीं कि पक्की बात नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा ऐसा हो सकता है अब हम देखते हैं इसके भी एग्जाम्पल्स एम आई मे हैव टू लीव टूमोरो मुझे कल जाना पड़ सकता है पक्का नहीं है शायद दे मे हैव टू कैंसिल द इवेंट उन्हें घटना रद्द करनी पड़ सकती है पड़ सकती है पक्का नहीं है हो सकता है I may have to take leave tomorrow. मुझे कल अवकाश लेना पड़ सकता है पक्का नहीं है कि मैं छुट्टी लू या नहीं बट हो सकता है कि मुझे लेनी पड़े द चिल्ड्रन मे हैव टू गो टू स्कूल अर्ली बच्चों को सुबह स्कूल जल्दी जाना पड़ सकता है ही मे हैव टू लीव एन अरी उसे जल्दी में जाना पड़ सकता है तो कुछ भी पक्की बात नहीं है ऐसा हो सकता है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म पे वो है मे बी अब मे बी का क्या मतलब होता है ये दो फॉर्म में यूज किया जाता है या तो एक चीज की मे बी कुछ हो सकता है मे बी ऐसा हुआ मे बी वैसा हुआ मे बी ट्राफिक मे बी ही इज लाइन मे बी ही द ट्रूथ मे बी ही इज वेटिंग फॉर मी कुछ भी या फिर संभावना ठीक है कि कुछ ऐसा हो सकता है तो मे बी का हिंदी में अनुवाद दो संभावित अर्थों के साथ किया जा सकता है जिस पर इसका प्रयोग हो रहा है पहला क्या है संभावना दूसरा क्या है अनिर्णय ठीक है आई मे बी कमिंग टुमॉरो आ सकता हूँ अभी मेरा पक्का नहीं है संभावना है बट पक्का नहीं है मतलब ऐसा हो सकता है बट अभी उस चीज का कोई पक्की बात नहीं है एग्जांपल्स देख लेते हैं अब हम इट मे बी रेनिंग आउटसाइड मुझे पक्का पता नहीं है बाहर बाहर बारिश हो रही हो सकती है पक्का नहीं पता हो सकती है हो रही हो सकती है रिया मे बी कमिंग टू द ऑफिस अब रिया कार्यालय आ रही हो सकती है मुझे पता नहीं है मेरी रिया से बात नहीं हुई है पर हो सकता है कि वो आ रही हो तो मे बी द मैनेजर मे बी चेकिंग द टाइम टेबल प्रबंधक समय सारणी जांच रहे हो सकते हैं पक्का नहीं पता बट शायद कर रहा हो वो चेक ठीक है पक्का नहीं है पक्का नहीं लूंगा बट शायद लेना पड़ जाए दे मे coming कमिंग टू party. वे पार्टी में आ रहे हो सकते हैं पक्का नहीं है कि वो आएंगे ही आएंगे बट हो सकता है आ रहे हैं अब लास्ट जो हमारा फॉर्म है वो है मे हैव बीन मे हैव बीन का मतलब क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि ये हो कि ये हुआ होगा या ऐसा हो सकता है या ये हो रहा होगा हमें पक्का नहीं पता हम अपने अपने गैस लगा रहे हैं तो मे हैव बीन का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसे हो सकता है कि हुआ हो या हो सकता है कि हो के रूप में व्याख्या किया जा सकता है यह बताता है कि कुछ पूर्व में हो सकता है लेकिन यह या निर्धारित नहीं है हो सकता है कि हुआ हो बट पक्का नहीं पता कि हुआ है। यह अक्सर अस्थिति या पूर्वानुम पूर्वानुमान के को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है एग्जाम्पल देख लेते हैं द स्टूडेंट्स मे है छात्रों को डाटा गया हो सकता है पक्का नहीं पता बट शायद

तो ये थे हमारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मोडाल में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे में से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी और आपकी हेल्प करूंगी अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर